अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये रेशियो एनालिसिस मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। पिछला जो क्वेश्चन किया था उस पर कैलकुलेशन सिंपली रेशियोज निकालने थे और फिर 10 मार्क्स को उसने एनालाइज करवाया था। तो रेशियो एनालिसिस में आपके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो जिसपे सिंपल रेशियोज कुछ कैलकुलेट करवा लेगा फिर उनका एनालिसिस करवा लेगा, फिर एक ऐसे रेशियो की सेकेंड कैटेगरी उन क्वेश्चन की है जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं होगी। और रेशियोज के बेसिस पे ना आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, कुछ रिसोर्स दिए हुए होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन और दी हुई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होगी। इस इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को यूज करके आपको इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर करनी होगी। तो जितने अच्छे आपको उसमें रेशियोज याद होंगे उतना बेटर ही आप उसे परफॉर्म करवाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर आपको रेशियोज याद नहीं है। तो सारे रेशियोज नोट्स में रिटन है, मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन ऐसा भी करवाया जिसमें रेशियोज ही कैलकुलेट करने थे। तो जितने रेशियोज अच्छे याद होंगे उतना अपन इस टाइप के क्वेश्चन से बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो पहले तो उसने एक सादी थ्योरी पूछी है, स्टेट थ्री रीजंस व्हाई इट माइट बी डिफिकल्ट टू कंपेयर फाइनेंशियल रेशियोज बिटवीन बिजनेसेस इन द सेम इंडस्ट्री। अब रेशियो के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नोट्स में आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो उसमें मेंशन है कि सेम इंडस्ट्री में कंपनीज को कंपेयर करना चाहिए ताकि रेशियो एनालिसिस ज़्यादा एक्यूरेट हो, लेकिन एट टाइम्स सेम इंडस्ट्री में भी रेशियोज कंपेयर करना प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। इसके दो तीन रीजन हो सकते हैं। तो उसके तीन पॉसिबल रीजंस लिख के मैंने नोट्स पे भी डिटेल में कवर किया हुआ है। एक ही इंडस्ट्री के अंदर अगर बिजनेसेस का साइज डिफरेंट है तो कंपैरिजन मुश्किल होगी। अब जैसे रिटेल इंडस्ट्री में एक लार्ज स्केल रिटेलर है इम्तियाज की तरह, और एक छोटी सी डिपार्टमेंटल स्टोर या परचून की दुकान है, वो भी रिटेलर ही होता है, वो भी इसी सेम इंडस्ट्री का पार्ट है। तो ऑब्वियसली उनके दरमियान रेशियोज का कंपैरिजन एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि इम्तियाज की इन्वेस्टमेंट काफ़ी इनॉर्मस होगी, छोटे परचून की दुकान की इन्वेस्टमेंट का उसकी जैसे पता उसकी स्मॉल स्केल पे इन्वेस्टमेंट होगी, तो कंपैरिजन डिफिकल्ट होगा। उनका रेवेन्यू भी डिफरेंट होगा, इम्तियाज का बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होगा, स्मॉल डिपार्टमेंटल स्टोर का रेवेन्यू मैच भी नहीं कर सकते हम इम्तियाज से, तो इस वजह से कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके अलावा डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ कर रहे हैं बिजनेसेस। एक बिजनेस स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए, एक रिड्यूसिंग बैलेंस यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कंपैरिजन डिफिकल्ट होगा। एक बिजनेस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होते हैं, और एक बिजनेस GAAP अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं। ये GAAP अकाउंटिंग प्रोसीजर्स US में फॉलो किए जाते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बड़ी डिफरेंट है, और गैप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, IAS में फ्लेक्सिबिलिटी है। IAS जो है वो अगर बिजनेस के पास अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन है तो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, वेयर इज गैप में आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते।
तो इन रीजंस की वजह से सेम इंडस्ट्री में भी कंपैरिजन डिफिकल्ट हो सकता है। अब असल पार्ट स्टार्ट होगा। एक्स इज अ होलसेलर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स। स्पोर्ट्स गुड्स द डायरेक्टिव द कंपनी प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2019। ईयर एंड में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2019 द रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर वाज 7.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 1 मई 2018 वाज 57682। इसमें एक बात नोट करने की कि अगर ईयर एंड अप्रैल 2019 को हो रहा है तो ईयर स्टार्ट हुआ होगा ऑब्वियसली मई 2018 में, और अगर मई 2018 से लेकर अप्रैल 2019 तक के मंथ्स गिने तो ये आपके 12 मंथ्स ही बनेंगे। तो इट मीन्स 1 मई 2018 की इन्वेंट्री की वैल्यू है, दिस इज ओपनिंग इन्वेंट्री, ये ओपनिंग इन्वेंट्री है एट 30 अप्रैल 2019। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर वाज 35 डेज एंड ट्रेड पेबल्स टर्नओवर वाज 32 डेज। एक आपको इस ईयर का इन्वेंट्री टर्नओवर दिया हुआ है, आपको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर दिया हुआ है, तीन रेशियोज गिवन है आपको। अब ऑब्वियसली इसका कोई रीजन होगा, रेशियोज तो वैसे कैलकुलेट करवाता है वो इसमें दिए हुए। ऑल सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बहुत अच्छा। लेकिन परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80% है। तो अब अभी उसने डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मंगवाए, अभी आपसे वो उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी और सर्टेन रेशियोज दिए, उसके बेसिस में एक्सपेक्ट करें कि आप सर्टेन वैल्यूज कैलकुलेट करें। पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर ट्रेड पेबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद आगे जाके इनकम स्टेटमेंट बनवा रहे हैं। तो हमें इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके, जितनी भी गिवन है इसको यूज करके हमें इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है। अब अगर आपको उसमें इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला याद हो और उसमें टाइम्स में दिया है तो 7.5 इज इक्वल टू, अब इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो आई थिंक सो हमें इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है 459991। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड किया जाए एवरेज इन्वेंट्री से। अब यहाँ एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू तो नहीं, सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है, तो हम अभी पूरी एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू को ही एक्स ले लेते ताकि सिंपल हो जाए करना। अब यहाँ इन्वेंट्री टर्नओवर का जो दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, इसके ज़रिए मैं अपना एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर सकता हूँ, और हो सकता है फिर एवरेज इन्वेंट्री आके हमें किसी और चीज़ को कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करे। तो 7.5x इज इक्वल टू 459991। नाउ x विल बी इक्वल टू 459991 से 7.5 डिवाइड हो जाएगा तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। तो एवरेज इन्वेंट्री इज 61332। अब आई होप सो आप सबको एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला याद होगा। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री, जिसकी हमें वैल्यू दी हुई 57682 ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को एक्स अज्यूम कर लेते हैं और ये डिवाइड होता है 2 से। तो उसमें 61332 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और यहाँ बजेगा 57682 प्लस एक्स। सिक्स वन डबल थ्री को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 122664 हो जाएगा इज इक्वल टू 57682 प्लस एक्स। अब 122664 में से 57682 माइनस हो जाएगा क्योंकि 57682 ये पॉजिटिव है, तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड दूसरे साइड पे जाएगा तो वो साइन चेंज हो जाएगा उसका। सो नाउ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 64982।
6.982 क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है, तो ये मैंने आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। अब इसमें ये मैटर करता था कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो भी टाइम्स का। अगर वो याद है और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला याद है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकालना इसमें ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। तो ये हो गई हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री। Now we have to calculate the value of trade receivables. अब इसके लिए हमें trade receivables turnover का formula याद होना चाहिए। Account receivable divided by credit sales multiplied by 365. अगर ये formula आपको याद है तो आप trade receivables turnover को use करके कुछ calculate कर सकते हैं। Here, 35 is equal to account receivable की वैल्यू मुझे नहीं दी हुई। अच्छा, क्रेडिट सेल्स की वैल्यू इस तरह दी हुई कि जो टोटल रेवेन्यू की फिगर है, एग्जामिनर ने साफ कहा ऑल सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब सारी सेल्स क्रेडिट को ही है। तो हम इस रेवेन्यू की फिगर को क्रेडिट सेल्स के तौर पे ले सकते हैं, 742630। और ये मल्टीप्लाई होता है 365 से आपका। अब आप इस रेशियो का, अगर रेशियो याद था तो उसके जरिए ट्रेड रिसीवेबल्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यार 35 मल्टीप्लाई बाय 742630 742360 में डिवाइड हो रहा था, इक्वेशन के दूसरे अपोजिट साइड में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके 35 से, और यहाँ बचेगा x मल्टीप्लाई बाय 365। तो 35 को मल्टीप्लाई करा देते 7426, 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 742630 से, इज इक्वल टू x इनटू 365। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 742630, 3365 इक्वेशन के राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 365 इज इक्वल टू एक्स, आ गया ट्रेड रिसीवेबल। अगर आप इस इक्वेशन को एक्यूरेटली सॉल्व कर ले तो आप ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू हो गई 7121। ट्रेड रिसीवेबल्स, अब ट्रेड पेबल्स निकालेंगे हम। अब उसने ट्रेड पेबल्स टर्नओवर दिया हुआ, ट्रेड पेबल टर्नओवर का फॉर्मूला होता है अकाउंट्स पे ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365। और उसने क्रेडिट परचेजेस के लिए बताया था क्रेडिट परचेजेस अमाउंटेड टू 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो हम क्रेडिट परचेजेस तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे, एटलीस्ट कुछ नहीं भी समझ आ रहा तो।
459991 को मल्टीप्लाई कर देंगे 80% से तो हमारी क्रेडिट परचेजेस की फिगर आ जाएगी 459991 into 0.8 80%, 367. तो द वैल्यू ऑफ क्रेडिट परचेजेस 367993, ये हमारी क्रेडिट परचेजेस की वैल्यू है। अकाउंट्स पेबल टर्नओवर का फॉर्मूला होता है अकाउंट्स पेबल, तो मुझे नहीं पता, एक्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस है मेरे पास 367993, ओवरऑल मल्टीप्लाई हो जाएगा 365 से। अगर मैं इस इक्वेशन को एक्यूरेटली सॉल्व करूं मैथमेटिकली तो ट्रेड पेबल्स की वैल्यू होगी 3262 is the value of trade payables. तो मैंने credit purchases भी calculate कर दी थी, sorry trade payables. X Limited has an operating expenses to revenue ratio of 30%. Expenses to revenue ratio इसने provide कर दिया. Distribution costs are twice as much as administrative expenses. Finance costs are 5% of the profit for the year. अभी क्योंकि limited company की income statement मांगी तो उसमें operating expenses को distribution cost और administrative expenses में classify किया जाता है. तो इसलिए उसने इस तरह का statement use किया. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का डबल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू सेल्स रेशियो भी दिया हुआ आपको उसने, फाइनेंस कॉस्ट के लिए भी कुछ बताया हुआ जो कि इंटरेस्ट होता है। प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2019। कुछ वैल्यूज उसने अपने पीछे कैलकुलेट कराई हैं, कुछ वैल्यूज आपको स्टिल इस पार्ट के लिए निकालनी पड़ेंगी तो हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर पाएंगे। अब काइंडली ये क्वेश्चन आप लोग के वीडियो देखते वक्त ना अपने मोबाइल में, अपने टैब में, अपने लैपटॉप में, दूसरे टैब में खोल लीजिएगा ये क्वेश्चन, ताकि जब मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आप लोग वहाँ डेटा को देख सकें। सबसे पहले हमें यार रेवेन्यू प्रोवाइडेड है, अभी टाइम नहीं इसलिए इतना फेयर फॉर्मेट में नहीं बना रहा, लेकिन आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। 742630 रेवेन्यू हो गया, जो वही फिगर थी वही यूज कर लेंगे।
कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर भी उसने दी हुई है, जो फिगर दी हुई है आपको उतना यहाँ वर्किंग शो करनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। लिमिटेड कंपनी में टोटल फिगर दी जाती है कॉस्ट ऑफ सेल्स की 459991। ग्रॉस प्रॉफिट इसने दिया हुआ नहीं, वो फिर हम निकाल देंगे 742630 माइनस 459991 तो 282639 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 282639। ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर में कहां से लाऊं, तो उसने एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशियो बताया भाई। और एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है, मैं इसको नंबर में ले रहा हूं, अगर 30 डिवाइड बाय 100 करें तो दैट विल मेक 0.3 रेवेन्यू। मेरे इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैं एक्स लूंगा, रेवेन्यू की फिगर उसने प्रोवाइड की हुई 742630, तो यहाँ मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एक्स रख के एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशियो के जरिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज 222789। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल है 222789। अच्छा, अगर आपसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल शो कर देंगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि लिमिटेड कंपनी में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ब्रेकअप शो करना होगा, तो आपको अलग से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की वैल्यू शो करनी होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की शो करनी होगी। तब हमने टोटल निकाल दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का विच इज 222789। अब इस इन्फॉर्मेशन को अब यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिन एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ उसने कहा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और ट्वाइस एज मच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो यहाँ इसका रेशियो बना सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का, अपेरेंटली 2:1 का रेशियो होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ट्वाइस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और 2:1 का रेशियो हो जाएगा इनका। अब अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं सिंपली जो टोटल मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का निकाला था 222789 रेशियो मैंने ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिन एक्सपेंसेस का बना दिया था, तो इसका फ्रैक्शन 2/3 हो जाएगा, 2/3 से मैं इसको कर दूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो जाएगी 148526। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए इजी है, जब टोटल है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 222789 उसमें से 148526 डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का माइनस कर दे, रिमाइंडर एडमिन एक्सपेंसेस का आ जाएगा 222789 माइनस 148526 74263।
इसका एक और मेथड भी पॉसिबल है अगर आपको ये पसंद ना आए तो, 222789। इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का फ्रैक्शन 1/3 होगा, रेशियो को यूज़ करके हमने फ्रैक्शन बना दिया, 222789 इंटू 1/3। आप दोबारा स्टिल देखिएगा वही वैल्यू आएगी 74263। तो आइदर ये मेथड यूज़ कर सकते हैं एडमिन एक्सपेंसेस के लिए, या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पहले निकाल दिए तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की वैल्यू माइनस करते एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की वैल्यू आ जाएगी। और इन दोनों को भी आप ऐड करके देखिएगा 148526 और 74263 को, तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल हमने एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशियो के जरिए निकाला था वही वैल्यू आई, 222789। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। अच्छा, लिमिटेड कंपनी में जब ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आता है 282639 माइनस 222789, तो ये आएगा 59850। टैक्स के बारे में कुछ बोला नहीं तो उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, इसमें से हम फाइनेंस कॉस्ट माइनस कर दें फाइनेंस कॉस्ट के बारे में नहीं पता, उसको एक्सेज्यूम कर लेते तो हमारा फिर इसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस तो है लेकिन फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट नहीं तो हम प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं निकाल सकते। उसने एक बड़ा वियर्ड स्टेटमेंट दिया, फाइनेंस कॉस्ट ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये हमें थोड़ा मैथमेटिकली इक्वेशन बना के फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, उसके बाद इवेंचुअली प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। अब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में से 59850 माइनस 5% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो अगर मैं 59850 में से फाइनेंस कॉस्ट माइनस करूं तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन में प्रॉफिट फॉर द ईयर को एक्स एज्यूम करूं तो एक्स का 0.05 या 5%, क्योंकि अगर मैं 5 डिवाइड बाई 100 करूँ तो 0.05 बनेगा। अगर 59850 में से मैं फाइनेंस कॉस्ट माइनस करूँ जो कि प्रॉफिट फॉर द ईयर का 5% है तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें 59850 माइनस 0.05x इज इक्वल टू x, 59850 इज इक्वल टू, अब x पे आके 0.05 ऐड हो जाएगा तो ये 1.05x बन जाएगा, और x हमारे वेरिएबल है जिससे कोई नंबर नहीं है। और आपने अगर अलजेब्रा पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1.05x। अब यहाँ 59850 1.05 से डिवाइड हो जाएगा तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 59850 डिवाइडेड बाई 1.5। तो हमारा प्रॉफिट फॉर ईयर है $39,900। अभी आप उसको 39,900 को ले लीजिए प्रॉफिट फॉर द ईयर में, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस और प्रॉफिट फॉर द ईयर का डिफरेंस निकाल ले तो फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी। तो अगर मैं 59850 में से 39,900 माइनस 39,900 माइनस करूँ तो फाइनेंस कॉस्ट बनेगी 19950 की, 19950 की। और उसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर मैं 59850 में से 19950 माइनस करूं तो 39,900 का प्रॉफिट फॉर द ईयर बनेगा। तो ये वो क्वेश्चन था जिसमें उसने सच एनालिसिस नहीं करवाया रेशियो का, इसमें आपको डिफरेंट रेशियोज दे दिए, दूसरा अदर डेटा भी दे दिया, और उसके बेस में आप एक्सपेक्ट करें कि सर्टेन वैल्यूज को अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सके और उसके बाद आप फिर इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सके। तो रेशियोज के जरिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का भी क्वेश्चन आ सकता है।
इसमें आपको रेशियोज बहुत अच्छे याद होने चाहिए, अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी होगी। तो ये रेशियोज का टॉपिक अभी एंड हो रहा है, बाकी आप लोग होमवर्क के क्वेश्चंस कीजिएगा तो आप लोग की और प्रैक्टिस हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।